टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके व 8 छक्के शामिल है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। सूर्य कुमार यादव ने 31 रनों का योगदान दिया, जिसमें 2 चौके 3 छक्के शामिल है। शिवम दुबे ने 28 रन और हार्दिक पांड्या ने 27 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 76 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके 4 छक्के शामिल है। वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर 6 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 28 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके 3 छक्के शामिल है। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए और कुलदीप यादव का शिकार हो गए। भारत की तरफ से अर्शदीप ने 3 विकेट और कुलदीप यादव ने 2 विकेट और बाकी गेंदबाजों ने 1 विकेट अपने नाम किए। इन सभी के बदौलत भारतीय टीम 24 रनों से विजयी रहा।